हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, एसएससी द्वारा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस अभी जारी किया गया है। किस लिए किया गया है? एग्जामिनेशन पोस्टपोन करने के लिए। कौन कौन सी एग्जाम पोस्टपोन होने जा रहा है, देखिए। फर्स्ट पे यहाँ पर लिखा है मल्टी टास्किंग स्टाफ पेपर 1 2020, जो जिसका एग्जामिनेशन होना था 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक, अभी करेंट स्टेटस है पोस्टपोन, यानी कि रद्द कर दिया गया है। सेकेंड पे आपका दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन होना था, जिसका पेपर 2 होना था 2020 का, 12 जुलाई से लेकर आपका एक ही दिन में एग्जाम होना था, 12 जुलाई में एग्जाम होना था, लेकिन इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब देखिए एग्जाम कब होगा। नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि भाई फ्रेश डेट जो है आपको बाद में आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, और साथ ही साथ आपको कहा गया है कि भाई टाइम टू टाइम आप लोग वेबसाइट जो है चेक करते रहिए अपडेट के लिए। लेकिन अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें, हालांकि कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं है यहाँ पर, एसएससी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन जुलाई मंथ में देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी एग्जामिनेशन होने वाला है। जो लोग सीएचएसएल वाले जो स्टूडेंट हैं, जो लोग एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे सीजीएल के लिए पेपर 1 के लिए वेट कर रहे हैं, भाई आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है जुलाई मंथ में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए भाई 20 तक तो इन्होंने कन्फर्म कर दिया कि भाई नहीं होगा। अब उसके बाद भी अगर होता तो कम से कम एमटीएस के लिए यहाँ पर जरूर लोग मेंशन करते। तो जुलाई मंथ में कोई भी पेपर का एग्ज़ाम वगैरह होना मुश्किल है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, ज़रूर प्रिपरेशन का कंटिन्यू रखिए, क्योंकि एसएससी को जो है देखिए एक मंथ पहले आपको इन्फॉर्म करेगा। जैसे कि मैंने बोला कि आपका जुलाई मंथ में होना मुश्किल है, अगर जुलाई लास्ट वीक में भी होता तब भी एसएससी आपको अभी वो जो है आप लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आप लोगों का सीएचएसएल एससीजीएल या जो भी आपका एग्ज़ाम आपका अभी रद्द किया गया है उसका बोल देता कि ये एग्ज़ाम आपका जुलाई लास्ट वीक में होने वाला है। लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं है, मतलब सोच लेना कि भाई जुलाई मंथ में नहीं होगा। तो कब होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आ रहा है स्टूडेंट के मन में, एसएससी जेई 2019, एसएससी जेई 2020 का रिजल्ट, एसएससी सीएचएसएल 2019 का रिजल्ट, आपका सीजीएल का टायर 3 का रिजल्ट, सबके मन में डाउट है। तो रिजल्ट देखिए, हालांकि कोई भी अपडेट ऑफिशियली अपडेट मेरे पास नहीं है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है एसएससी की तरफ से, जिसका प्रूफ तो मेरे पास नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता चला है, सबसे पहले एसएससी सीजीएल का टायर 3 का रिजल्ट आने वाला है, उसके बाद आपका सीएचएसएल वालों का भी रिजल्ट आ सकता है, सीएचएसएल वालों का, और इसी बीच में जुलाई मंथ में आपका एसएससी जेई 2020 और एसएससी जेई 2019 दोनों का रिजल्ट आना है, जुलाई मंथ में आएगा। अब कब आएगा किसी को आइडिया नहीं है। हालांकि एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है लास्ट जून से लेके आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका आ जाएगा एसएससी जेई का रिजल्ट। अब कौन सा रिजल्ट आएगा ये भी किसी को कंफर्म नहीं है, एसएससी जेई 2019 या 2020। लेकिन मेरे अगर पर्सनल एक्सपीरियंस के तरफ से मैं कहूँ तो भाई 2020 एसएससी जेई का फर्स्ट आ सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, देखिए एसएससी जेई का जो प्री का पेपर है वो आपका कंप्यूटर में होता है, सॉफ्टवेयर में होता है, तो इसमें आपका जो मार्क्स कैलकुलेशन हो गया, आप कितना आपका मार्क्स आ रहा है, सब कैलकुलेट करना एसएससी के लिए ईजी बन जाता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम लोग देखें पेपर 2 का जो है कॉपी उनको चेक करना पड़ता है, और कॉपी जो चेक करते हैं वो आपका कोई भी कॉलेज का टीचर वगैरह, जो आईआईटी वगैरह का टीचर होता है, वही लोग आपका जो है चेक वगैरह करते हैं, तो उनके पास भी अभी देखिए वो लोग भी चेक वगैरह करेंगे। हालांकि उनके ऐसा नहीं कि देखिए कॉलेज वगैरह बंद है, लेकिन वो लोग तो भाई उनका ऑनलाइन क्लास वगैरह जारी है, तो इस हिसाब से ऐसा नहीं कि उनके पास भी ज़्यादा टाइम है, तो वो लोग आपका कॉपी वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद ही जो है एसएससी को जो है वो लोग देंगे। तो इस हिसाब से पेपर 2 में थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन दोनों ही रिजल्ट आपका जुलाई मंथ पे आ सकता है, ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, कहीं से भी मिला हो लेकिन मिला है। अब जैसे मुझे ऑथेंटिक कुछ अपडेट मिलेगा जिसका प्रूफ मैं दिखा सकूं, जैसे मैंने आरटीआई लगा चुका हूं, अगर जैसे रिप्लाई आएगा मैं जरूर आपको इन्फॉर्म करूंगा। अभी तक कोई अपडेट आपको जो है आरटीआई का अपडेट आया नहीं है। अब देखिए भले ही आपका एग्जाम वगैरह लेना एसएससी के लिए मुश्किल हो, लेकिन डीवी वो लोग करवा सकते हैं। डीवी एसएससी सीएचएसएल 2018 का सेकेंड जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। लेकिन अगर आप लोग 19 एसएससी जेई के लिए वेट कर रहे हैं, डीवी के लिए वेट कर रहे हैं, भाई जुलाई मंथ में भी आप लोग का डीवी नहीं होगा, मतलब जुलाई लास्ट से हो सकता है लेकिन 25 तक तो भूल जाइए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक कंफर्म हो चुका है 19 जुलाई तक सीएचएसएल 2018 का डीवी कंडक्ट होगा, तो भाई 20 जुलाई तक तो कोई भी आपका जो है डीवी वगैरह नहीं होगा, और कुछ जोन का अभी भी डीवी शेड्यूल आना बाकी है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 25 जुलाई तक सीएचएसएल वालों का डीवी जरूर चलेगा। तो इस हिसाब से लास्ट वीक से पहले डीवी करवाना पॉसिबल नहीं है। अब जब भी रिजल्ट आएगा, अगर मान लीजिए जुलाई फर्स्ट वीक में भी अगर एसएससी जेई 2019 का रिजल्ट आता है, तो भाई डीवी कराना इनके लिए पॉसिबल है,
डीवी कराना और एग्जाम लेना अलग बात है, क्योंकि डीवी में कितना स्टूडेंट होगा, मान के चलिए आप 1200-1300 स्टूडेंट बुलाएंगे या आपका 2000 स्टूडेंट बुलाएंगे, लेकिन आपका अगर हम लोग बात करें पेपर वन या पेपर टू में लगभग आप मान के चलिए 20,000 1,00,000 के आसपास जो है स्टूडेंट होता है, वो आपका कभी कभी 5,00,000 4,00,000 10,00,000 12,00,000 को अलग अलग एग्जाम में बात कर रहा हूँ। इसीलिए पेपर वन या पेपर टू अभी लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीवी ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं। तो CHS JEE 2019 का डीवी मान के चलिए आप लोग अगर रिजल्ट मैं मान के चला हूँ जुलाई 15 तक आ जाना चाहिए, जो जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है कि 19 का भी रिजल्ट आपका मिड जुलाई के आसपास आ जाना चाहिए, 20 जुलाई के आसपास मान के चलिए, उस हिसाब से 20 दिन और जोड़ लीजिए, क्योंकि 20 दिन के बाद ही आपका डीवी स्टार्ट होता है और अगस्त में मान के चलिए आप लोगों का डीवी वगैरह स्टार्ट हो सकता है। ये बस एक्सपेक्ट किया जा रहा है जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी देखिए SSC ऑफिशियली इन्फॉर्मेशन तभी देते हैं जब जो आपके पास मतलब वो लोग कंफर्म होते हैं, अभी वो ये सब डिसाइड कर रहे हैं वो लोग, मतलब जो वो लोग डिसीजन लेना चाह रहे हैं यही इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है। अभी तक कोई ऑथेंटिक अभी इन्फॉर्मेशन मतलब ऑफिशियली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इनऑफिशियली मैं इन्फॉर्मेशन आपको बोल रहा हूँ जो अभी तक मुझे पता चला है। और एक चीज़ जो है SSC JEE 2020 का जो मेंस के लिए वेट कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ कि उनका भी एग्ज़ाम अगर होगा तो भाई अगस्त में होगा, उनका भी मान के चलिए 20 दिन बाद ही आपका जब रिजल्ट आएगा उसके 20 से 25 दिन बाद आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपका भी रिजल्ट मान के चलिए कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई अगर आता है तब भी आपको जो है अगस्त आपका फर्स्ट वीक तक जरूर होगा। और SSC को अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है तो भाई अगस्त में ही कराना पड़ेगा। देखिए अभी भी कोविड का हालात ऐसा नहीं कि भाई सुधर गया है, लेकिन हम लोग उम्मीद कर गए कि भाई जुलाई तक जरूर जो है ख़त्म हो जाएगा, सेकेंड वेव ख़त्म हो जाएगा। अब थर्ड वेव एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एक्सपर्ट है उनके द्वारा आपका एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग बोल रहे हैं कि भाई सितंबर में आ सकते हैं। अगर सितंबर में आए तो भाई उस हिसाब से SSC को जो है अगस्त में एग्जाम कंडक्ट कराना होगा, अदरवाइज़ इस साल SSC का कोई भी एग्जाम वगैरह होना मुश्किल है। ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के तरफ से कहा जा रहा है कि थर्ड वेव जिस तरह से आएगा उस हिसाब से बोल रहा हूँ। अभी कानपुर वगैरह IIT का कानपुर ने एक एनालिसिस वगैरह किया है कि डेली केसेस कितना वगैरह आएगा, आप लोग शायद देखे होंगे, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट कोई रिस्क लेना चाहेगा इस टाइम पर एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट कराने के लिए। इसीलिए आपका देखिए आप अगर 12 का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो सकता है तो भाई SSC का एग्ज़ाम जरूर पोस्टपोन होगा, तो इसी हिसाब से आप लोग अगस्त में मान के चलिए जो भी आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी के बेसिस पे बोल रहा हूँ, अगर अगस्त में भी केसेस ज़्यादा आने लगा तब भी तो आप समझ सकते हैं कि भाई तब भी जो है एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा, लेकिन आप लोग अभी के लिए भाई माइंड में सेट कर लीजिए कि अगस्त से आपका एग्ज़ाम वगैरह होगा, चाहे DB हो गया चाहे एग्ज़ाम हो गया। और CGL वालों का रिजल्ट जल्द आएगा, CHSL वालों का भी जल्द आएगा, पेपर टू की बात कर रहा हूँ 2019 का CHSL, और आपका SSC JEE वालों का भी रिजल्ट जल्द आएगा, जैसे कोई अपडेट मिलेगा मैं जरूर आपको बताऊँगा। और बाकी एग्जाम के लिए अभी तक कोई आपका शेड्यूल SSC द्वारा जारी नहीं किया गया, हालांकि सुनाई दे रहा था कि भाई जुलाई 20 के आसपास ये लोग जो है कैलेंडर वगैरह जारी करेंगे, तो अब देखते हैं कि कितना सही जाता है, तब तक जो है आप लोग वेट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि SSC रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।